अस्सलाम वालेकुम। आज हम खुशबूदार बेल, जिसका नाम रंगून क्रीपर, मधुमालती और सहरा बेल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये समर सीज़न की सबसे खूबसूरत बेल है, जो सालों साल आपके पास बनी रहती है और इसको बार बार आपको लगाना नहीं पड़ता। सर्दियों में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है और पत्तों से खाली हो जाती है। अक्सर घरों के बाहर ये बेल लगी हुई आपने देखी होगी, मगर मेरे यहाँ ये इस सीमेंट की बनी हुई एक क्यारी में लगी हुई है और रूफ टॉप पे दीवार के साथ लगी हुई है। ये तकरीबन पिछले 10 साल से मेरे पास मौजूद हैं। हर साल इसका सीज़न आने पर ये फूलों से बिल्कुल भर जाती है। इसको सिर्फ इसके सीज़न के स्टार्ट पर फरवरी में एक बार काउडंग कंपोस्ट जो है वो मैं डालती हूँ, और उसके बाद पूरा सीज़न जो है वो कभी कभार इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, जिससे ये हर रोज़ इतने ज़बरदस्त फ्लावरिंग करती है। इसके फ्लावर्स का कलर रोज़ चेंज होता है, आप देख रहे होंगे इसमें कुछ पिंक, वाइट और डार्क पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। और इसके फ्लावर्स जब ब्लूम करते हैं तो लाइट से डार्क की तरफ कलर चेंज करते रहते हैं। अगर आप इसको रूफ टॉप पर लगाना चाहें तो इसको कम से कम 20 इंच का पॉट साइज़ या किसी बड़ी पॉकेट में ज़रूर लगाएं, ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके और फ्लावरिंग कर सके। मेरे पास ये क्रीपर जो है ये रूफ टॉप पर तकरीबन मेरे पहले चंद प्लांट्स में से है, और मैं जानती हूँ कि इसके लिए बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। इसको बस अच्छा पानी चाहिए होता है, क्योंकि इसका फोलियज काफ़ी ज़्यादा है और इसकी फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी कम देने की वजह से इसके फ्लावर सूखना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने गार्डन में इस बेल को ज़रूर शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।